اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد और ख्यालत आने और लाने का फर्क ये किताब जो है अनफासी ईसा बड़ी जाम किताब है बहुत से अबवाब पर मुश्तमिल है और हर बाप बेशुमार मलफूजात पर मुश्तमिल है इसलिए उसको पूरा पढ़कर उसकी तशरी करना तो मुश्किल है इसमें से सिर्फ मुंतब हिस्सा पढ़कर उसकी तशरी बयान कर दी जाती है ताकि जरूरी जरूरी बातों का बयान हो जाए इसलिए आज मैं इस किताब का नया बाब शुरू कर रहा हूं जो वसाविस से मुतालिक है इस किताब का नया बाब जो वसाविस से मुतालिक है हजरत वाला ने इशाद फरमाया वाविस का इलाज अदम इल्तिफात है वसाविस का इलाज अदम अल्तफात यानी उसकी तरफ तवजू न करना और बस लेकिन अदम इल्तिफात को मकसूद बिल गैर समझ कर काम में न लाए अदम इल्तिफात को यानी तवज्जु नहीं करना मकसूद बिल गैर समझ कर यानी वो मकसूद नहीं है समझकर काम में न लाए बल्कि उसको मकसूद भी समझे इन दिफा वसाविस उस पर मुरतब हो या न हो यानी दिफाए वसाविस उस पर मुरतब हो यानी तवज्जो को उस पर न करे तवज्जो न करने के बाद वसाविस चले जाए या न हो उस पर कोई हर्ज नहीं लेकिन कोशिश करे कि तवज्जु उस पर न हो अदम इल्तिफात को इसी तरह आगे इसकी तफसीर और आएगी इसी तरह राहत को मकसूद बिजात न समझ न समझा जाए राहत को मकसूद बिजात न समझा जाए बल्कि उस पर आमदा रहना चाहिए कि अगर तमाम उम्र उससे भी ज्यादा कुल्फत हो मुसीबत हो तो वो भी महबूब का अतिया है ले अन्ना हो ले सबासी वाला इख्तियारी व्लु मकान कदालिको नहमत और अबियत यही है दर्द साफ तेरा हुक्म ने दम दरकश के आंच साकी मा रेख तलताफ इस शहर को कभी कभी पढ़ लिया करे देखो अब उसकी तशरी समझो ये तो अनफास ईसा की इबारत थी कोई शख्स वसाविस खाली नहीं शख्स खाली नहीं हजरत वाला ने इस मलफूज में वसवसा का और एक कसरूद शुबह का इलाज फरमाया जो बहुत ज्यादा लोग उसमें मुबतला है उसका एक इलाज फरमाया लोगों को वसवसे और ख्याल फासिदा बहुत आते रहते हैं लोगों को वसवसा और ख्याल फासिदा बहुत आते रहते हैं बाज़ ऐसे ख्याल और वसाविस आते हैं कि इसके नतीजे में इंसान यह सोचता है कि इसकी वजह से मैं कहीं काफ़िर तो नहीं हो गया कोई शख्स शायद ऐसा नहीं है जिसको बुरे बुरे ख्याल और वसव न ना आते हों, बल्कि वस्व आते हैं और उससे लोग परेशान होते हैं खासकर वो शख्स जिसने दीन के रास्ते पर चलने का अभी कस्त किया इरादा किया है जिसने दीन पर चलने का अभी इरादा किया है तो उस पर वसव सबसे ज्यादा आते और कदम बढ़ाया ऐसे शख्स को बहुत ज्यादा वसव आते हैं उसके दिल में बहुत से खतरा गुजरते ऐसे ही जो मुराकबा शुरू करेगा तो जहां मुराकबा नया नया जो शुरू करते हैं तो उन पर भी वसाविस बहुत आते यहां तक के घबरा छोड़ देते कोई नया नया दिन पर चलता है वसा भी जितने आते हैं घबरा कर छोड़ देता दिन पर चलने वालों को वस्व से ज्यादा आते हैं। दिन पर चलने वालों को वसव से ज्यादा आते हैं जिस शख्स का दीन की तरफ और इसलाह की तरफ ध्यान ही नहीं है और दीन रात दुनियावी मशागिल में मुनहमिक है जो जिस शख्स का दिन की तरफ और इसलाह की तरफ ध्यान ही नहीं है और दीन रात दुनियावी मशागिल में मुनहमिक है फिसको फजूर में मुब्तला है यानी गुनाहों में ऐसे शख्स को वसव नहीं आते वसव उस शख्स को आते हैं जो अल्लाह तला के रास्ते पर और दीन के रास्ते पर चल पड़ता है उसको तरह तरह के वसव आते हैं ऐसे वसव से आते हैं कि उनकी वजह से आदमी को शक होने लगता है कि मेरा ईमान भी बाकी रहा या नहीं मेरा ईमान भी बाकी रहा या नहीं हम समझते हैं कि दिन पर चलेंगे तो इत्मीनान और सुकून होगा अरे दिन पर चलेंगे तो वसवसे से ज्यादा आते और ऐसे कि मेरा ईमान भी है के नहीं कभी अल्लाह ताला के बारे में वसो से आएंगे कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वसो से आएंगे कभी कुरान करीब और हदीस के बारे में आएंगे और कभी शरीयत के अहकाम के बारे में वसो से आएंगे अगर ऐसे मौका पर इंसान को सही रहनुमाई न हो तो इंसान गुमराही के रास्ते पर पड़ जाता है जी जी अगर सही रहनुमाई न हो तो गुमराही के रास्ते पर पड़ जाता है उसमें बिल्कुल अल्लाह हम सबकी हिफाजत सब। और वाकई तक दिन के काम करने वाले वो एक जगह पर पहुंचने के बाद वह में मुब्तला होते हैं अब उनको कोई मिलता नहीं कि किसको जाकर हम बयान करें वहीं से वो बिगड़ना शुरू होता है तो इन वसाविस का इलाज हजरत वाला यह बयान फरमा रहे हैं कि इनका इलाज इसके सिवा कुछ नहीं कि उनकी तरफ तवज्जो न की जाए इसका इलाज क्या है इसके सिवा कुछ नहीं कि उनकी तरफ तवज्जु न की जाए वसाविस आते हैं तो आने दो कोई परवाह ही ना करो उस तरफ ध्यान ही ना दो कि दिल में क्या वसवसा आ रहा है और क्या जा रहा है बस ये हिम्मत से काम लेना इसलिए कभी भी आए ध्यान न दो और बहुत सताए जिसका अगर शेख है बहुत सताए तो उनको बता दे तो बताने से कोई अल्लाह वाले से कोई दीन वाले से बताने से वसफसा खुद ब खुद निकल जाता या तो खुद अमल करे कि जाने दो आता जाएगा निकलता जाएगा अब आगे बता रहे हैं देखो वसाविस ये बुरी अलामत नहीं है वसाविस ईमान की अलामत है

मेरे दिल में ऐसे वसवसे और ऐसे ख्याल आते हैं कि इन ख्याल को जबान पर लाने के मुकाबले में जल कर कोयला हो जाना मुझे गवारा है जी कोयला हो जाना म, गवारा है इसलिए मैं क्या करूं बस ऐसे वसा मैं बोल नहीं सकता ऐसे मैं क्या करूं देखो उन्होंने पूछा अल्लाह के रसूल सुबहान अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया फरमाया क्या जवाब दिया फरमाया ज़ाक सरीहुल इमान एक खुली ईमान की अलामत है याद रखो ये खुली ईमान की अलामत है देखो शक्ल उसकी कितनी खतरनाक है और अंदर उसका कितना अच्छा है होली में खुली ईमान की अलामत यानी ऐसे वसवसों का और ऐसे ख्याल का आना तो खुले ईमान की अलामत है मोमिन ही के दिल में ऐसे वसवसे से आ सकते हैं और जो काफिर हो या जो फिसको फजूर में मुब्तला हो उसको ऐसे वसवसे से नहीं आते चोर उसी घर में आता है जहां दौलत हो चोर उसी घर में आता है जहां माल हो हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब महाजिर मक्की इसी हदीस की तशरी करते हुए फरमाते हैं कि चोर उसी घर में आता है जहां कुछ माल हो जहां माल ही न हो वहाँ चोर क्यों जाएगा जिस घर के बारे में मालूम हो जाए कि वहां माल है उस घर में चोर दाखिल होगा लिहाजा जिस दिल में ये चोर शैतान इसलिए आ रहा है लिहाजा दिल में ये चोर शैतान इसलिए आ रहा है कि उसको मालूम है कि इस दिल में कुछ है अगर इस दिल में अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना होता तो उस चोर को आने की जरूरत ही नहीं थी इस चोर को आने की जरूरत नहीं थी। ईमान होगा तो यह आएगा ना इसलिए कि हमारी मेहनत क्या है भाई ईमान कैसे बच जाए? जिक्र मुराकबा से अमाल से हा तो ये ईमान को छिनने के लिए लाते हैं तो ईमान होगा तो वहां वस वेगा तो फरमाया चोर को आने की जरूरत नहीं लिहाजा जब वसवसे और ख्यालत आए तो पहले इस बात पर शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ईमान मौजूद है वरना ये ख्याल आते ही नहीं वन ख्याल आते ही नहीं ख्यालात पर परेशानी ख्यालात पर परेशानी ईमान की मौजूदगी की अलामत है ईमान की मौजूदगी की अलामत है और ईमान के मौजूद होने की दलील इस तरह है कि जब आपके दिल में ख्यालात आते हैं जब आपके दिल में ख्यालात आते हैं तो आपको परेशानी होती है ईमान के मौजूद होने की दलील इस तरह है कि जब आपके दिल में ख्याल आते हैं तो आपको परेशानी होती है और इन ख्याल का आना आपको बुरा मालूम होता है अगर दिल में ईमान ना होता तो परेशानी क्यों होती अगर दिल में ईमान ना होता तो परेशानी क्यों होती दिल में ईमान ना होता तो परेशानी क्यों होती अगर ईमान ना होता तो दिल में इन ख्याल के आने पर बुरा क्यों लगता इन ख्याल से तकलीफ क्यों होती मालूम हुआ कि दिल में ईमान है दिल में ईमान है। अल्लाह देखो कितनी तसल्ली की बात है कुरान करी में अल्लाह परेशानी के मौका के लिए तसली का जुमला इरशाद फरमा दिया वो ये कि

मोमिनों को इस सरगोशी के जरिए गम में मुबतला करे आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सरगोशी करना मोमिनों को जरा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता वो सब लेन अल्लाह फरमाया मोमिनों को जरा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर अल्लाह के हुक्म से लिहाजा जब ये वसवसा आकर परेशान करे तो उस वक्त ये तस्वुर करो उस वक्त ये तस्वर करो कि ये तो ईमान की अलामत है तस्वर करो कि ये तो ईमान की अलामत है। ये शैतान अपनी सी कोशिश कर रहा है उससे कह दे को चल तू भी अपनी सी कोशिश कर ले और हम भी अपनी कोशिश कर रहे उसे कह दो लेकिन अगर तुम इन ख्याल की तरफ मुतवजे हो गए और उनकी तरफ इल्तफा शुरू कर दिया कि इस वस वसे को दूर करूं उस ख्याल को दूर करूं तो फिर तुम उस धंधे में रह जाओगे आगे तुम्हारी तरक्की नहीं हो पाएगी और शैतान का मकसद पूरा हो जाएगा ख्यालत के पीछे मत पड़ो बस आप इस कई तरह के आते हैं इसीलिए बताया ना हसद के वसाविस है बदगुमानी के वसाविस है और गुनाहों के वसाविस है और इस तरीके से कोई जिक्र असकार के वसाविस है अल्लाह के बारे में वसाविस सब अलग अलग वसाविस होते हैं हसद और है और हसद के वसाविस और है बाद मत तो हसद नहीं होता लेकिन वसाविस वसाविस आएंगे उस पर ध्यान नहीं देना और वो सारी तफसील तो पहले भी गई है और आगे भी आते रहेंगे वो सब वसाविस के बारे में इसलिए समझो वसाविस हर मोमिन के दिल में आते रहते लेकिन उनकी सोहबतें जब नेक लोगों के साथ न होने की वजह से फिर वो वसवसे से बीमारियां पैदा हो जाती है दूसरी बेदीनी पर वसवसा आएगा तो और चीजें दीनदारी पर वसवसा आएगा तो और चीजें बेदीन वालों को भी वसवा आते आते लेकिन वो वसवा से और गुमराही की तरफ जा रहे हैं दीन वालों को वसवा आ रहे हैं तो अगर उस पर वो तवज्जो न करे तो और तरक्की कर रहे हैं, और अगर उसकी तरफ चले जाते हैं तो फिर गुमराही हो जाती है वसाविस और ख्याल की मिसाल हजरत थानवी रि एक मिसाल के जरिए इन ख्याल के बारे में समझा रहे हैं। तो लाले, मिसाल के जरिए इन ख्याल के बारे में समझा रहे फरमाते हैं कि इन ख्याल की मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स को बादशाह के दरबार से बुलावा आया प्राइम मिनिस्टर ने एक शख्स को बुलाया कि आज फुला वक्त तुम पार्लियामेंट में आना हम तुमको मुलाकात का मौका भी देंगे और तुम्हें इनाम से भी नवाजेंगे अब यह शख्स तैयार होकर उस बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया है? रास्ते में ये मिसाल बता रहे रास्ते में एक कुत्ता दाई तरफ से भोंक रहा है और एक कुत्ता बाई तरफ से भोंक रहा है जा रहा है बादशाह की तरफ लेकिन रास्ते में कुत्ता दाई और बाई लेफ्ट और राइट से भोंक रहा है और उसको वक्त पर बादशाह के दरबार में पहुंचना है बताइए अकल की बात क्या है क्या वो कुत्तों से लड़ने बैठ जाए उनको बोकने से रोके और उनका पीछा करे उनको भगाए उनको घर तक छोड़कर आए क्या ये करे अगर वो इन धंधों में लग गया कि इनको चुप करने में इनको भगाने में लग गया तो क्या होगा तो फिर तो दरबार में पहुंचने का वक्त ही निकल जाएगा अगर कुत्तों के पीछे पड़ गया कि भाई इनको मार मार के चुप करो इनको तो भगाओ तो फरमाया तो दरबार में जाने का वक्त ही निकल जाएगा वक्त पर नहीं पहुंच सकेगा इसलिए अकलमंदी मंदी का तकाजा यह है कि उन कुत्तों को भोंकने दो उनको भोंकने दो और तुम जहां जा रहे हो और जिस मंजिल पर पहुंचना चाहते हो उसकी फिक्र करो इन कुत्तों के भोंकने की फिक्र ही मत करो अगर तुम उन कुत्तों के पीछे पड़ोगे तो दरबार में हाजिरी का शर्फ खो बैठोगे क्या मिसाल दी आज दुनिया के कुत्ते जो है ना वो कोई भी दीन का काम करता है तो उसको भोंकते हैं दीन का काम कोई भी सही लेकर चलेगा तो उसको दुनिया के कुत्ते भोंकते हैं तो अब उनके पीछे मत पड़ो कि इनको तुम जवाब देने जाओ और समझाने जाओ और ये करने जाओ तो अपना काम करते जाओ अल्लाह तक पहुंच जाओगे और ये भोंकते भोंकते चुप हो जाएंगे होते है ना वो वो हमें किसी न किसी तरीके से हस वस वसू में डालकर दिन से हटाना चाहते कोई बेनमाजी था नमाजी बन गया कोई झूठ बोल के कमाता सच बोल के कमा रहा है अब कुत्ते भोंकने आएंगे अरे तुमने क्या कर दिया ऐसे कैसे अब भोंकने दो अपना काम करते रहो कोई बेपर्दा और थी उसको पर्दे में आ गए तो उसको भोगने वाले मिलेंगे कोई ऐसी शादियां जो थी जिसमें बहुत ही खुराफात हो रही थी जाते तब जाना बन के तब भोंकने देंगे भोंकेंगे बहुत सारे आएंगे इनको चुप करने की जरूरत नहीं है वरना मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे आ, हर तरह के तो ऐसे ही हमारे दिलों में वसाविस आते कभी हसत के कभी किसके कभी गुना के तो आने तो उनको निकालते जाओ उनके पीछे मत पड़ो कि मैं इसका कैसे इलाज करूं नहीं तो आगे जाएंगे तो फरमाया उन कुत्तों को भगाने जाओगे तो वो तो चुप होंगे नहीं और हम मंजिल से हट जाएंगे उससे अच्छा है कि हम अपने जो मंजिल पर जाना है जाने दो ये क्या कर देंगे मालूम खाली भोंकेंगे काटने नहीं आ सकेंगे याद रखना हाँ काटेंगे नहीं अगर सही नीयत है और सही नीयत से हम चल रहे हैं दिन की तरफ तो अल्लाह पाक के हुक्म से कोई भी कुत्ता हमें काट नहीं सकता दुनिया का हा वो सिर्फ भोंकेंगे बोलेंगे कुछ नहीं कर सकता हासीदिन का हसद भी हमें असर नहीं कर सकता और फिदीन का फितना भी हमें असर नहीं कर सकता अगर हमारी नीयत सही है और रास्ता सही है और चल रहे हो तो कोई चीज असर नहीं कर सकता इसलिए उसे घबराना चाहिए हां हमारी नीयत में खोट होगा तो जाहिर बात है फिर कहीं ना कहीं अटक हो जाएगा इसलिए बहुत सो को अटक हो जाता है कहते हैं हम तो सही नीयत पर चल रहे थे तो अटक हो उसका मतलब यह है कि हमारी नीयत में कहीं गड़बड़ है ढूंढ लो इसलिए मुखलिसीन तो फितनों के अंदर अंधेरी रात जैसे फितनों के अंदर भी वो अपनी रोशनी से निकल जाते हैं फंसते नहीं हैं जिसके अंदर इखलास होता है तो इसलिए हमारी नीयत अगर दीन पर चलने की सही होगी और कोई मकसद नहीं है अल्लाह की रजा है तो इनशाला कोई भी हमें हटाने की कोशिश करेगा हमें असर नहीं कर सकेगा और हम चलते रहेंगे इसी तरह तुम ये जो इबादत कर रहे हो और अल्लाह ताला के हजूर हाजिर हो रहे हो ये इबादत अल्लाह ताला के दरबार में बारियाबी है हा यानी कामयाब दिलाने वाली अब कामयाबी के वक्त दिल में जो ख्याल और वसवसे आ रहे हैं दर असल ये कुत्ते फोंक रहे हैं अगर तुमने उनकी तरफ इल्तिफास शुरू कर दिया उनको भगाने की फिक्र में लग गए अपना ध्यान उस तरफ लगा दिया तो फिर शैतान का मकसद हासिल हो जाएगा और तुम दरबार की कामयाबी से महरूम हो जाओगे तो कुत्ते कभी शैतान की शक्ल में होता है कभी नफ्स की शक्ल में होता है और कभी इंसानों की शक्ल में होता है कभी रिश्तेदारों की शक्ल में होते हैं कभी दोस्तों की शक्ल में होता है पता नहीं क्या क्या शक्लों में आते हैं सर्विस के वक्त अपने काम में मशगूल रहो इसलिए इन वसाविस और ख्यालत का इलाज ही यह है इन वसाविस और ख्यालत का इलाज ही यह है कि उनकी तरफ इल्तिफात ही ना करो इल्तिफात न करने का मतलब यह है कि इस फिक्र में मत पढ़ो कि क्या वसवसा आ रहा है और क्या वसवसा जा रहा है यह मत करो। क्या ख्याल आ रहा है और क्या जा रहा है बल्कि अपने काम में लगे रहो मसल ख्याल आ रहे हैं और तुम्हें नमाज पढ़नी है तो तुम अपनी नमाज में लग जाओ ख्याल आ रहे हैं और तुम्हें उस वक्त तिलावत करनी है तो तिलावत में लग जाओ बाद हम ख्याल में फिर गुम हो जाते हैं बैठे बैठे सोचते हैं और नो हमें नमाज को भी अपने वक्त से लेट करा देता है जिक्र अस्कार भी छुड़ा देता है दूसरे बहुत सारे काम जो होते हैं वो हुकूक भी छुड़ा देता है और वो वसा इसमें गुम है अरे होता है ना ऐसा एक इंसान के दिल में में कोई ख्याल ख्याल आ गया गया अब उसी में गुम हो गया। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हें उस पर ब्रेक लगा दो और अपनी तिलावत बाकी है तो उसमें लग जाओ नमाज का टाइम हो उसमें लग जाओ कुछ और काम है तो उसमें लग जाओ उसके पीछे मत पड़ो कि उसको घुमा रहे हो और सोच रहे हो किसी दूसरे काम का वक्त है तो उस दूसरे काम में लग जाओ उन ख्याल को अपने आमाल पर असरअंदाज न होने दो वरना क्या होता है बहुत सौ को ऐसा देखा है कि वो ख्याल उनको आ रहे और ख्याल में गुम ऐसे हो गए तो कितने फराइज उनसे छूट जाते हैं कहीं किसी की मदद करनी होती है कहीं किसी का काम होता है कहीं क्या अस्कार होते हैं कहीं नमाज को वक्त से लेट कर देते हैं क्या हुआ कि बस बैठे हैं और बैठे बैठे सोच रहे क्योंकि उसकी तो कोई एंड निकलेगा ही नहीं इसलिए कभी अगर आ भी गए हो तो निकालने का क्या तरीका कि उसकी वजह से अपने अमाल को देर न करो बल्कि उस ख्यालत को काटकर अपने अम्म, वक्त पर अपने अमल को कर लो ये इलाज है इन ख्याल का अगर इन ख्याल और वसाविस की तरफ तुम लठ लेकर दौड़ोगे ना यानी डंडा लेकर दौड़ोगे तो इसका इलाज नहीं है हा तो ये इसका इलाज नहीं है आ, तो तो इसलिए यह है कि कभी कभी वो घूमने लगता है तो इसलिए उसका इलाज कि वक्त पर अमल कर लो जहां अमल आया है किसी ने याद दिलाया वो बोला अच्छा अच्छा ठीक है चलो फौरन तो क्या होगा वो फे कट जाएंगे और हमें जरा उसमें मजा आ रहा होता है ना वो फसो में तो कहता हाँ बाद में बाद में तो वसाविस इसका एक और इलाज वसाविस् इसका एक और इलाज मेरे वालिद साहब रोहमतल्ला फरमाया करते थे कि अगर कहीं अंधेरा हो रहा हो तो उसका यह इलाज नहीं है कि आदमी उस अंधेरे के पीछे डंडा लेकर दौड़े कि अंधेरा भाग जाए लठ लेकर दौड़े कि अंधेरा भाग जाए इस तरह कभी भी अंधेरा नहीं जाएगा अंधेरा है अंधेरे का इलाज यह है कि एक चिराग जला दो जिस जगह पर उस चिराग की रोशनी पहुंचेगी वहां से अंधेरा खुद बहतु भाग जाएगा उस अंधेरे की जुलमत खुद ब खुद दूर हो जाएगी इस तरह इसी तरह ये शैतानी ख्यालात और वसाविस भी अंधेरा है वसाविस भी शैतानी ख्यालात और वसाविस भी अंधेरा है उनके पीछे लठ लेकर नहीं भागना डा लेकर नहीं भागना बल्कि उनका इलाज यह है कि अल्लाह तला के जिक्र का चिराग जलाओ अमल का चिराग जला लो अल्लाह ताला की इबादत और ताकत का चिराग जलाओ उनकी तरफ इल्तिफात न करो बस ये वसाविस और ख्यालात खुद दूर हो जाएंगे उसके पीछे न पड़ो तो बड़ा अजीब इलाज है और ये हर तरफ होता रहता है बस आज तो इतना ही रखते हैं इसलिए कि आज बहुत सारे आए नहीं हैं, तो अभी सबको बता भी दिया जाए कल इसी बात को फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर वहां से आगे चलेंगे ताकि जिनका छूट गया है वो भी दोबारा इनका ताजा हो जाए और कल पूरा दिन मेहनत करे सबको फोन करके जो जो भी सुनने वाले थे स्काइप पर खास करके हाँ और एक दूसरे को बता दे कि भाई देखो बहुत अहम बातें चल रही है और ध्यान से सुने वक्त पर तो अब इंशाल्लाह फिर से वो दोबारा सिलसिला हमारा अल्लाह ताला ने शुरू करा दिया है अल्लाह इसमें इस्तेमाल अता फरमाए तो इनशाला दावत दे सब एक दूसरे को और मिक्सलर पर भी बता दे आ, और सुनने वाले जो है वो भी एक दूसरे को बता दे जो जिस इलाके में भी सुनने वाले जो है वो बता दे कि भाई अब दर्श शुरू हो चुका है अब दोबारा शुरू कर दे और जब भी दर्श न हो तो उस वक्त गमगिन न हो पिछले दर्श का जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनना शुरू कर दे उससे बहुत ताकत मिलेगी लेकिन वक्त को जाए न करे उससे काम होता जाएगा अपना वरना हमारा क्या है वो वक्त फिर बेकार चला जाता है ये वक्त को काम में लेना है दर्श न हो तो पिछला दोबारा सुने चाहे उसे इस हफ्ते का सुने या उससे पहले का सुने तो उसमें कोई ना कोई सुनेंगे तो बहुत ही फायदा होता रहेगा तो वक्त की हिफाजत करें सुबह